कम दोस्तों, बीम ट्यूटोरियल सीरीज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मूलियंस की ज्वाइनिंग एंड मेनली एंड कंडीशंस के बारे में। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी रियल टाइम क्वेरीज को इसी तरह शेयर करते रहिए, जिससे कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल कंटेंट्स प्रोवाइड कर सकें। आप हर एक क्वेरीज को, हर एक वीडियोस को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एंड तक देखा करें, स्टेप बाय स्टेप देखा करें, क्योंकि एक क्वेरी से जुड़े हुए हम 4, 5, 6 जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं आपको इनपुट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर टैब में मलियन कर्टन ग्रेड और कर्टन सिस्टम, इससे रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं, और यहाँ मैंने 3-4 आपके सामने एग्जांपल रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज़ 1, 2 एंड 3। इन तीनों ही मैं आपको बताऊंगा कि एंड कंडीशंस ऑलमोस्ट इनका सोल्यूशन सेम ही होने वाला है, बट इन तीनों को दिखाने का एक पर्पज़ है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है और ये 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है सेकंड वाला, और थर्ड वाला एक एक्यूट एंगल है। तो इन तीनों में सेम चीज़ सेम तरीके से, बट आपको रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। अब देख लें, ये एंड कंडीशंस कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है। कभी भी आप कर्टन वॉल स्टोर फ्रंट लेकर ड्रॉ करते हैं तो जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो उसके जो एंड होते हैं वो आपस में इस तरह से ही ओवरलैप होते हैं, क्योंकि किसी भी स्टोर फ्रंट की प्रॉपर्टी में दोनों एंड्स पर उसकी प्रॉपर्टी में हमने मूलियंस ऐड किए हुए होते हैं। तो आप देखें यहाँ पर 3-4 जितने भी हमारे एंगल बने हर एक जगह पर ओवरलैपिंग हमको दिख रही है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले से। आप देखिए इसमें दो कर्टन वॉल हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, दोनों के एंड पे आपको मूलियन मिल रहा है। इस पर हमने राइट क्लिक किया, सेलेक्ट मूलियंस में आप देखेंगे तो ऑप्शन हैं आपके पास बहुत सारे। इस ग्रिड पर जितने भी मिलियन से हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये हम प्लान देख रहे हैं 3D में, आप देखेंगे एलिवेशन में देखेंगे 2, 3, 4, 5 कितने मिलियन से पता नहीं, इनको एक साथ ही अनपिन किया। आप ध्यान दें इसको कि मैं इसको दोबारा से पिन कर देता हूं, अगर मैं यहां से पिन अनपिन करता हूं तो मेरी ये एक्टिव नहीं हुआ मिलियन चेंज करना, इसीलिए मैं ऊपर से अनपिन करता हूं, क्योंकि आप रिबन से जब अनपिन करेंगे तब वो जितने भी मिलियंस ऑन द ग्रिड होंगे तब सारे अनपिन हो जाएंगे। जब ये फ्री हो गया तो हम यहाँ से इस पर क्वाड कॉर्नर मिलियन जैसे हमने लगाया तो ये एक डायलॉग आता है कि ओवरलैपिंग का, और ये 3 मिलियंस को डिलीट करेगा, क्योंकि जब ये रिप्लेस करेगा तो एक क्वाड कॉर्नर मिलियन आएगा और ऑलरेडी दूसरे वाली कर्टन वॉल में आपके पास 3 मिलियंस हैं तो उनको डिलीट करना होगा। अब आपका ये क्वाड कॉर्नर मिलियन तैयार हो गया। उसी तरह से हमने तीनों मिलियन सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ पर कोई सा भी कॉर्नर मिलियन या जो भी मिलियन चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। ये एल कॉर्नर मिलियन है, इसी तरह से इसमें रिविट में डिफ़ॉल्ट बहुत सारे ऑप्शन होते हैं 3-4। एक ट्रेपेज़ॉइड कॉर्नर मिलियन है, इसकी एक अलग शेप आती है, और एक इसमें वी कॉर्नर मिलियन भी होता है, 5 इंचेस वी कॉर्नर मिलियन। इनके साइजेस को हम कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल वे में मैंने आपको दिखाया, 90 डिग्री पे जब कर्टन वॉल है तो उसके साथ हम लोग इस तरह से ट्रीट करेंगे, मूलियंस को रिप्लेस कर सकते हैं। एंड मूलियंस को कैसे, आपको सारे मूलियंस ऑन द ग्रिड आपने सेलेक्ट करने, या तो आप 3D व्यू में जाके इंडिविजुअली उनको पकड़ें, या आप किसी एक मूलियन को पकड़ के और उस पर्टिकुलर ग्रिड में आप तीनों लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं दूसरा एक स्टेप करूँगा एक अलग तरीके से, कि मैं यहाँ पर पहले ही एक कर्टन वॉल के मूलियंस को डिलीट कर दिया, क्योंकि वो जो मैसेज आता है 3 मूलियंस को डिलीट करने वाला, मैंने पहले ही डिलीट कर दिया है। अब दूसरे वाले को मैं जस्ट रिप्लेस करूंगा क्वाड कॉर्नर से, अब वो मैसेज नहीं आएगा, वो जो डायलॉग आता है अब वो नहीं आया, आपने देखा। तो दोनों ही सेम तरीके हैं, जो आपको कम कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हैं। लेकिन आप देखें क्वाड कॉर्नर मिलियन इस केस में जो लगा है फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, दोनों में शेप डिफरेंट आई है बिकॉज ऑफ द एंगल। तो मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए ये मैंने इन तीनों अलग अलग केसेस को रखा है कि सेम मिलियन अलग अलग शेप ले लेता है डिपेंडिंग अपॉन दी एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट वॉल्स। अब इसमें मैंने एल कॉर्नर मिलियन लगाया है तो यहाँ पर एल कॉर्नर मिलियन इस शेप में आ गया है। इसमें ऊपर के मिलियंस जो हैं वो सेलेक्ट नहीं हुए थे, इसलिए मल्टीपल फैमिली सेलेक्टेड दिखा रहा है। हम उसको एक बार विल मेक श्योर कि सारे मिलियंस ऑन द ग्रिड, हमने उसको एल कॉर्नर मिलियन कर दिया है।
अब यहाँ पर एक चीज़ करके देख लेते हैं कि अगर मैं इसको डुप्लीकेट करना चाहता हूँ कुछ इसके साइजेस, ये जो 5 इंच की थिकनेस दिख रही है वो बेसिकली ये थिकनेस जो मैंने आपको दिखाई मुलियन की थिकनेस है, और ये जो अगर हमको एडिट करना है, लेग वन और लेग टू इसके दो पैरामीटर हैं हमारे पास ऑन बोथ दी कर्टन वॉल। अगर आपको इसका जो ओवरलैप है वो कितना ज़्यादा जाना चाहिए, बियरिंग कितनी होनी चाहिए, उसको आप लेग वन और लेग टू से अपडेट कर सकते हैं। तो 5 इंचेज जो ऊपर थिकनेस है वो बेसिकली थिकनेस ऑफ द मुलियन है। अब आप देखें ये बेसिकली लेग वन पे जो लेगा, लेग टू पे और जो हमारी डायमेंशन है 5 इंचेस 5 इंचेस, वो सेंटर ऑफ द कर्टन वॉल से है। कई बार हम कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि हम इंटीरियर फेस को देखते हैं तो वो एक्चुअली 5 इंच से कम होगा। अब यहाँ मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया क्योंकि बाकी के हमारे एल कॉर्नर मुलियन पे उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, इसको हम नाम जो भी चाहें दे सकते हैं। अभी मैंने जो उस पर सफिक्स 2 आया उस लगा दिया, और मैंने 2.5 इंचेस कर लिया लेग वन लेग टू दोनों को। आप देखिएगा यहाँ पर 2.5 इंच करने से ये हुआ इम्पैक्ट, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसके इंटीरियर फेस पर बहुत ही कम डायमेंशन रह गई है। यहाँ पर भी मैं अगर चेंज करके दिखाऊँ तो आपको एक अलग सी चीज़ दिखेगी। मैंने देखिए 2.5 किया तो ये बिल्कुल ज़ीरो ही हो गया, क्योंकि इसके सेंटर से वो 2.5 वहीं तक जाके मीट हो जाती है। तो ये थोड़ा टेक्निकलिटी समझने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को देखेंगे, पॉज करके देखिए या स्लो स्पीड में देखिए, आपको क्लैरिटी आएगी। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। जब भी आप कोई वीडियो देखें तो उसको अपने एंड पर रिजॉल्व करके भी देखें, और उसके बाद भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप डेफिनेटली कैन सेंड एन ईमेल या आप कमेंट में भी हमको लिख सकते हैं। थर्ड कंडीशन जो मैंने बनाई है उसमें भी मैं वही क्वाड कॉर्नर मुलियन अगर अप्लाई करूं, या फिर अगर मैं ये कॉर्नर टू जो मैंने किया था, देखिए यहाँ पर ये नहीं लगाने देगा बिकॉज यहाँ पर वो 2.5 इंच की जो डायमेंशन है वो उस पर नहीं चढ़ पाएगी। ये दोनों ही मुलियंस को उसने डिलीट कर दिया है, यहाँ कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पर हम क्वाड कॉर्नर लगाएंगे तो वो एक पहले वाले को डिलीट करेगा, हम डिलीट एलिमेंट्स कर देंगे, ओके एंड दैट इज़ फाइन। ये वाला लगाएंगे तो देखिए 5 इंचेस पर वो उसने थोड़ा सा लैप किया है, 2.5 इंच वाला इसीलिए पॉसिबल नहीं था वहाँ पर। वी कॉर्नर मुलियन इस पर, तीनों पे आप, चारों पे आप देख सकते हैं अलग अलग कंडीशंस आ रही हैं, बट वही क्वाड कॉर्नर जो है तीनों कंडीशन में उसकी ज्योमेट्री आपको अलग दिखेगी। अब एक और ये इम्पॉर्टेंट है, ये बेसिकली मेनली क्वेरी किसी ने जो हमसे क्वेश्चन किया था वो इसी के लिए किया था कि कर्व्ड वॉल है कर्टन वॉल और उसके दोनों एंड्स पर कोई ब्रिक वॉल है या जो भी आप वॉल कह सकते हैं मैसनरी की वॉल है, तो उसकी एंड कंडीशंस कैसे एडजस्ट होंगी, क्योंकि यहाँ पर एंगल में आ जाता है। और दूसरा इसका इंटरनल भी अगर आप देखें कोई मुलियन जो है वो उसको ग्लास पूरा टच नहीं कर रहा होता है, क्योंकि कर्टन वॉल जो है वो पूरी कर्व में नहीं बनती है, नॉर्मली वो सेगमेंट्स में डिवाइड होकर बनती है। और ऐसे साइड पर ग्लास भी जब आप देखते हैं तो वो कर्व में ज़्यादातर जो टिपिकली हमारा है बेसिकली वो स्ट्रेट ग्लास के पैनल्स होते हैं और वो मुलियन टू मुलियन ज्वाइन किए जाते हैं। इसके लिए हम मैंने इसको डिटेल ए और डिटेल बी में आपको दिखाने की कोशिश करी है, इससे दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये पूरी कर्टन वॉल एंड कंडीशंस और उसकी इंटरनल मुलियंस की कंडीशन आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। इसके दो तीन ऑप्शन कम से कम मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, और भी ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ कि जो आपको आसान लगे, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो सके, वो ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर दें। पहले हम इसको डिटेल ए को रिजॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वो तीनों केस में सेम रहने वाली, डिटेल बी के लिए हम तीन ऑप्शंस आपको दिखाएंगे। तो डिटेल ए में क्या किया हमने, इसको अनपिन किया और यहाँ से सिर्फ एल कॉर्नर मुलियन, हम कोई और डायमेंशन भी ले सकते हैं, 2.5 इंच की जगह 2 इंच ले सकते हैं, 3 इंच ले सकते हैं, जो भी हमको चाहिए। तो जितने भी इंटरनल हमारे मुलियंस हैं जहाँ पर ग्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, उनको हम इस तरह से डील कर लेंगे। जितने भी हमारे इंटरनल हैं, इंटरनल मीन्स एंड्स को छोड़ के जितने भी बीच में मुलियंस हैं उनको हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब एंड वाली जो कंडीशन है वो चाहे इस एंड पर हो चाहे अदर एंड पर हो, दोनों सिमिलर कंडीशन है। इसके लिए हम तीन ऑप्शंस बनाएंगे, मैं तीन जगह कॉपी कर लेंगे इसको, कॉपी कर लिया है तीन जगह। हम देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन वन अगर हम देखें तो इसमें हमने वही किया, सिलेक्ट मुलियंस ऑन द ग्रिड, इसको हमने अनपिन किया।
मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ मुलियंस में हमेशा इसकी प्रॉपर्टी में आप देखेंगे एंगल एक पैरामीटर होता है। अगर आपने एंगल 5 डिग्री का एंगल दिया, ऐसा करने से क्या होगा कि इस कर्टन वॉल में जितने भी मुलियंस हैं सारों ने 5 डिग्री का एंगल ले लिया, सारे रोटेट हो गए। आप बॉटम मुलियन भी देख सकते हैं नीचे, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि हमको एक ही मुलियन पे वो इम्पैक्ट डालना है। तो दिस इज़ अबाउट डुप्लीकेटिंग समथिंग। हमने एंगल चेक कर लिया, 6.63 डिग्री का एंगल है। और भी प्रिसाइज वैल्यू चेक करने के लिए हम यूनिट का प्रिसीजन बढ़ा सकते हैं। तो हमने इसको डुप्लीकेट करना है, कोई एक सुटेबल नाम दे देंगे, जैसे मैं यहाँ ब्रैकेट के साथ एंगल्ड लिख देता हूँ। और इस पर्टिकुलर मूल्यन पे, क्योंकि मैंने तीन ही सिलेक्ट किए हुए हैं, इन तीनों पर मैंने 6.63 डिग्री का एंगल दे दिया। आप देख सकते हैं वो प्रॉपरली अलाइन हो गया। बट इसके साथ एक चीज़ है जो हमको मैनेज करना पड़ेगी। आप बॉटम मूल्यन अभी देख रहे हैं, उसके साथ इसमें एक क्लैश हो रहा है। तो यहाँ ब्रेक एट जॉइन और मेक कंटिन्यूस का एक ऑप्शन होता है, जो जॉइनिंग कंडीशन होती है मूल्यन्स की। इसको मैं आपको ज़्यादा अच्छे से दिखा देता हूँ 3D व्यू में ये क्या होता है। मैंने बी एक्सप्रेस किया जिससे बॉक्स विंडो हो जाती है, और आप देख सकते हैं ऑर्बिट करके इसको, कि अगर मैं किसी भी मूल्यन को पकड़ता हूँ अक्रॉस दी कर्टन वॉल, उसको अगर ब्रेक एट ज्वाइन करूँगा तो वो पीछे रुक जाएगा, और अगर मैं उसी को मेक कंटिन्यूस कर दूँगा तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। ये तरीका होता है इसको ज्वाइन करने का डिफरेंट मूल्यन्स को। तो अगर मैं इसको ब्रेक एट ज्वाइन कर दूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, मतलब बॉटम मूल्यन के ऊपर रेस्ट करेगा मेरा एंड वर्टिकल मूल्यन। दूसरी एक और चीज़ है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, क्योंकि ये अभी प्रोजेक्ट हो रहा है, बाहर की तरफ लटक रहा है। मैंने इसको 4.5 इंच कर दिया है, 4.5 इंचेस, और इसकी थिकनेस को भी मैं 4.5 कर दूंगा, 4.5 इंचेस। तो आप देखेंगे वो जो प्रोजेक्ट हो रहा था अब वो ख़त्म हो गया। तो एक कंडीशन तो हमारी ये बनी, हम इस तरह से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पर एक चीज़ है कि ये ग्लास टच नहीं कर रहा। देखिए इस वाले एंड पर तो हम वहाँ पर उसको एल कॉर्नर मूल्यन लगाएंगे तो वहाँ टच हो जाएगा, जैसे हमने पहले ही किया था, आपको दिखाया था हमने एल कॉर्नर मूल्यन, जिसको हमने 2 डुप्लीकेट किया था वो लगा देंगे। इस वाले एंड पर तो यहाँ टच हो जाएगा, लेकिन इस कंडीशन पर हमको यहाँ मैन्युअली उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको बता दूं, कर्टन वॉल में कर्टन पैनल को एडिट करने का एक ऑप्शन होता है, बहुत रेयरली उसको यूज़ करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। जब भी आप पैनल को टैब करके पकड़िएगा, उसको जब आप अनपिन करेंगे तो इन प्लेस, एडिट इन प्लेस का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि कर्टन पैनल जो हैं बेसिकली वो इन प्लेस फैमिली से बने होते हैं। कर्टन फैमिली में आप एक सिंपल एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर है, मैंने टैब किया, अभी देखिए एडिट इन प्लेस जो है वो एक्टिव नहीं है। मैं जैसे ही अनपिन करता हूँ एडिट इन प्लेस एक्टिव हो जाता है, और उसके बाद इट इज़ एज सिंपल एज लाइक क्रिएटिंग ए ज्योमेट्री इन प्लेस। आप एक बार आपको रिमूव कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम फैमिली में इसको मूल्यन्स के साथ लॉक कर दिया जाता है। अब मैंने इसको फ्री कर लिया, 3D में देख लेते हैं इसको जाके, बी एक्सप्रेस करेंगे, बॉक्स विंडो हो जाएगी। देखिए वो मूल्यन हमारा, हम जहाँ तक चाहते हैं उसको रख सकते हैं, हम कोई शेप भी दे सकते हैं उसमें अगर चाहते हैं तो। मैं अंडू करके वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन पे ला कर रख देता हूँ, जिस इज़ जस्ट टू शो यू। तो वो कर्व वाली डिटेल बी में आप देखेंगे, जो एंड कंडीशन पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ ग्लास को इस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे ही आप इसको टैप करके पैनल को पकड़ेंगे, एडिट इन प्लेस करेंगे और उसको वहाँ तक ले जाके कर सकते हैं। अब इसका एक ऑप्शन 2 मैं आपको बताता हूँ, इसको इस तरह से भी डील किया जा सकता है कि मैंने पहले तो वही सबसे पहला स्टेप कि मैंने इसको यहाँ पर आप देखिए, एक हम कुछ ट्रिक कर रहे हैं कि इसमें मॉडिफाई पे जाके स्प्लिट विथ गैप होता है। मैं इसको स्प्लिट विथ गैप इसलिए कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ। देखिए जो सेंटर लाइन होती है कर्टन वॉल की, उस पर आपको कर्जर रखना है अपना। तो यहाँ से मैंने मिनिमम ऊपर इसका जॉइन गैप भी होता है 1 इंच है, जो अभी डिफॉल्ट में, उसको हम कम कर सकते हैं। तो मैंने स्प्लिट किया सो दैट ये उस एंड को छोड़ के पीछे आ जाए। अगर मैनुअली आप ड्रैग करेंगे तो मूल्यन के साइज, वो पैनल के साइजेस पे फर्क पड़ेगा, तो इसलिए मैंने स्प्लिट विद द गैप किया, और उस गैप को आप 1 इंच की जगह कम भी कर सकते हैं। फिर यहाँ टैप करके मैंने पैनल को पकड़ा, एडिट इन प्लेस किया, फैमिली के अंदर गया, और यहाँ एक नया सॉलिड हम क्रिएट करेंगे। हम एजेस पिक कर लेते हैं। आपने देखा होगा साइट पर कभी भी इस तरह की एंड कंडीशंस पर कस्टम मेड पैनल्स नहीं, बेसिकली उसमें एक फिलर यूज होता है। तो इट
दिस सॉलिड विल एक्ट एज अ फिलर, और जो भी हमारे पास डिटेल होती है फिलर की, हम उस हिसाब से जितना ये पीछे रहना है इसको हम पीछे रख सकते हैं, और इस फिलर को हम एक मटेरियल भी दे सकते हैं जो भी हमको फिनिश चाहिए, गैसकेट या कोई भी सीलेंट का हम यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक या ग्रे, जैसा भी हमको यूज़ करना है वैसा हम लगा सकते हैं इस पर। तो अभी मैंने ऐसे ही मैनुअली इसको ड्रैग करके थोड़ा पीछे कर दिया है, सो दैट इट शुड नॉट फ्लश विद द कर्टन मिलियन एज। अब आप 3D में जाके देखिए इसको, फिर एडिट कीजिए और इसको ड्रैग कर दीजिए ऊपर, या मैनुअली हाइट भी फीड कर सकते हैं उसमें। एक्सट्रूजन स्टार्ट एट 0 है, एक्सट्रूजन एंड पे आप अपनी हाइट 20 फिट डाल सकते हैं, या फिर मैंने इसको ऊपर खींच के ड्रैग करके अलाइन कर दिया है, और इस पर हम मटेरियल भी डाल सकते हैं। मैंने एक कोई भी डिफॉल्ट मटेरियल यूज़ करके इसको क्लोज कर दिया, क्योंकि मटेरियल लोड करने में कभी कभी टाइम लग जाता है, और हमारा इंटेंट है वीडियो को कम से कम साइज़ पर रख सकें। तो एक कंडीशन ये हुई, अगर आप देखें पूरी कर्टन वॉल डिलीट करेंगे तो वो साथ में जाएगा, वो जो अभी हमने फिलर बनाया है वो कर्टन वॉल का ही पार्ट बन गया, कोई अलग से कोई हमने पैकिंग नहीं लगाया है, किसी अलग कैटेगरी में कोई मॉडलिंग नहीं करी है। तो ये एक ऑप्शन 2 भी है, काफ़ी यूज़फुल है। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन 3। इसमें बेसिकली हम मुलियंस की एक फैमिली बनाएंगे। मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैं अभी एक तरीका सिर्फ आपको बता दूंगा, एक इशारा दूंगा, क्योंकि फैमिली बनाना थोड़ा ट्रिकी है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाना चाहूँगा। आप न्यू फैमिली क्रिएट कीजिए और वहाँ से प्रोफाइल, क्योंकि मुलियंस होते हैं प्रोफाइल बेस्ड होते हैं, इसमें प्रोफाइल मुलियन, आप इस टेम्पलेट को ऑप्ट कीजिए और यहाँ आपकी एक नई फैमिली खुलेगी। ये सेंटर ऑफ मिलियन है और ये सेंटर फ्रंट बैक रेफरेंस प्लेन है, फ्रंट और बैक का सेंटर है। अब यहाँ पर आप देखिए किस साइज़ का आपको मिलियन चाहिए। अब सेंटर से आप देखेंगे दोनों तरफ 1.25 इंच, 1/4 ऑफ एन इंच से, क्योंकि ये 2.5 इंच का मिलियन है, तो दोनों तरफ हाफ हाफ सेंटर से डिवाइड हुआ है। बट हम क्या करते हैं, हमें कस्टम साइज़ चाहिए, तो हम यहाँ पर DL प्रेस करके डिटेल लाइन पिक करके वो शेप ड्रॉ कर लेते हैं, जो भी वेज शेप हमारा है कस्टम शेप, और इसको हम टैब करके कॉपी कर लेंगे। TL हमने प्रेस किया तो हमारी थिक लाइन दिखने लगी, हमने किसको कॉपी किया, 4 लाइंस हैं ये हमारी, और फैमिली में ले जाके सीधे Ctrl+V कर देना है पेस्ट, और इसी मोड में हम इसको प्रॉपरली मूव करके एक पॉइंट से रेफरेंस प्लेन पर रखेंगे और रोटेट भी कर देंगे इसका ओरिजिन चेंज करके, सो दैट इट विल बी वर्टिकल। और अब हम इसको सेंटर पे प्लेस कर लेंगे। यहाँ थोड़ा ट्रिक इसलिए है कि दोनों एज पर सेंटर डिफरेंट होगा इसका, मैंने इसीलिए मैं अलग से मिलियंस की फैमिली के लिए अलग से इसके क्या क्या ट्रिक्स होते हैं अलग फैमिली बना के दिखाना चाहूँगा, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि दिस कुड बी एन अदर ऑप्शन टू रिजॉल्व दिस इशू, दिस कॉन्फ्लिक्ट। मैंने यहाँ से मिड पॉइंट पर रखा है अभी रेफरेंस प्लेन को, रेफरेंस प्लेन के ऊपर इस मुलियन के प्रोफाइल को वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, और देखिए आप यहाँ पर इसका सेंटर अगर मैं इस सेंटर से रखूँगा तो ये डेविएट हो जाएगा बॉटम वाले सेंटर से। तो ये स्पेसिफिक मुलियंस के जॉइंट्स को डील करने के लिए ये सेशन है, इसलिए मैं इसमें फैमिली के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो अभी नहीं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सिंपली इसको कोई भी एक नाम दे देता हूँ, मिलियन, और कस्टम मिलियन कर देते हैं इसको, सेव करके हम इसको लोड कर देंगे, लोड इनटू प्रोजेक्ट। अब करना क्या होगा हमको, हम इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट मिलियंस ऑन द ग्रिड, और यहाँ से हम एक नया बना लेते हैं, ये 2.5x5 लगा हुआ है, इसको हमने डुप्लीकेट किया और इसको नाम दे देते हैं कस्टम, ओके करेंगे तो यहाँ प्रोफाइल पे आप चेंज कर सकते हैं अपना प्रोफाइल जो आपने लोड किया है, कस्टम मिलियन हमने प्रोफाइल लगा दिया, एंड यू कैन सी ये हमको फ्लिप करना पड़ेगा फैमिली के अंदर, हमने अपोजिट डायरेक्शन पे बना दिया है। इट इज़ ऑल अबाउट लाइक फ्लिपिंग योर वॉल, जैसे आप वॉल को फ्लिप करते हैं इंटीरियर फेस और एक्सटीरियर फेस, वैसे ही है, एज सिंपल एज दैट। बट इसमें थोड़ी सी परमिटेशन कॉम्बिनेशन हिट एंड ट्राई वाली होती है हमेशा फैमिली में, तो वो एक बार आप लोड करते हैं फिर आपको डिफरेंस समझ में आता है, फिर दूसरी बार करते हैं
तो ये आपको देखें, अभी ये आपको ये जो गैप दिख रहा है बेसिकली, वो गैप इसीलिए है क्योंकि हमने कर्टेन वॉल को एक एज से उठाया है और अभी उसको हमने एंड कंडीशन पे बिठा दिया। इस गैप को पहले तो हम एक फिलर की तरह से लगा सकते हैं, यहाँ पर जैसे हमने ऑप्शन 2 में एक फिलर लगाया था, वो भी हम इस गैप को फिल कर सकते हैं, या मैं अपने किसी और अगले वीडियो में कर्टन वॉल के जो मिलियंस होते हैं उनकी फैमिली के साथ क्या हमारे और टेक्निक्स होती हैं जिससे हम प्रॉपर तरीके से अचीव कर सकते हैं, उसको मैं डेमॉन्स्ट्रेट करूँगा। बट दिस कुड बी वन ऑफ योर ऑप्शन टू डील विद दिस सिचुएशन। इसी तरह से मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अपने पैनल को टैप करके अनलॉक करना है, अनपिन करना है सॉरी, और एडिट इन प्लेस में जाके एक्सक्लूजन लेके आपको यहाँ पर एक फिलर ड्रॉ कर लेना है, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरह से ये ऑप्शंस आपके लिए, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बिम ट्यूटोरियल सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लगातार देखने को मिलते रहें। अपने कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।